ठीक है थैंक यू। आज मैम रो खा लो खा लो खा लो आजा कशिश तुम ही आजा। मैंने जब 10th में मेरी मैरिट आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्स्ट टाइम मैं फॉरेन कंट्री ऐसे जा रही हूँ, पहले कभी गई नहीं हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे कंट्री में जाने का मुझे मौका मिलेगा। बाहर पंजाब सरकार भी काफ़ी कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रही है, जिससे कि बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है उनकी स्टडीज़ में। और भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स लिए जा रहे हैं पंजाब सरकार के थ्रू करवा रही है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होती है उनकी स्टडी को आगे परस्यू करने के लिए, जो भी उनका करियर है। पैकिंग तो हो गई है, अभी आज रात को ही जाना है। पढ़ाई में काफ़ी जब 10th में थे तो काफ़ी स्कूल्स में एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दिए जाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी हमारी, ताकि हमारे को पहले से प्रिपेयर किया जाता था। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारे को एग्ज़ाम जिस तरह से देने हैं, तो वो पहले हमारे काफ़ी एग्ज़ाम यहाँ पर लिए गए थे। टीचर्स ने भी हमारी काफ़ी हमें मॉर्निंग टाइम में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे और हमारे एक्स्ट्रा एग्ज़ाम लेते थे। प्रिंसिपल मैम स्पेशली हमारे लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर करके लाते थे घर से और हमारे एग्ज़ाम्स लेते थे, ताकि हम टेस्ट भी काफ़ी सारे होते थे, ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं, स्कूल की तरफ से तो कोई नहीं थी। घर में भी पासपोर्ट आसानी से बन गया? हाँ जी, पासपोर्ट के लिए पहले बन नहीं रहा था, क्योंकि मैं 18 अबव हूँ तो माइनर में था, तो पेरेंट्स का पासपोर्ट था नहीं, तो फिर इसलिए उन्होंने मैम ने काफ़ी हेल्प, मैम के हस्बैंड ने मेरे साथ गए थे तो वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस, और उन्होंने मेरे लिए मतलब मेरे साथ गए और पासपोर्ट बनवाया। रमन कुमारपुरी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रिंसिपल मैडम का भी काफ़ी योगदान इसमें है, तो इन्होंने हमें फ़ोन करके बोला था कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी की सिलेक्शन हुई है, तो वो इसका पासपोर्ट नहीं बना था, तो इन्होंने पासपोर्ट पहले अप्लाई किया तो कहने लगे इसके मम्मी पापा का जब तक पासपोर्ट नहीं बनाओगे तब इसका 18 साल से कम में नहीं बनेगा, तो फिर प्रिंसिपल साहब ने कोशिश करके तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा उपराला है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको जापान में भेजा जा रहा है। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी वाला दिन है कि एक रूरल स्कूल का बच्चा जिसने 10th में पंजाब की मेरिट में 8th पोजीशन हासिल की थी, उसे आज मौका मिल रहा है जापान जाने का। और जापान में 5 अदर कंट्रीज़ के बच्चे भी आ रहे हैं, जैसे चाइना के, इजिप्ट के, साउथ अफ्रीका के और कीनिया के, और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे नेतृत्व में इस बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कैसे पता चला भी इसका भी नाम को? ये अगस्त महीने में हमें बताया गया, एक लेटर आई थी कि 8 बच्चे हैं जो जापान जा रहे हैं, तभी से हम सारे बहुत उत्साहित हैं और तभी से ही हमारे स्कूल में और सब में एक बहुत ही खुशी का माहौल है।